नमस्कार दोस्तों, मैं काला सर आज आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के सामने, सभी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के सामने एक विशेष सूचना के साथ में आज उपस्थित हुआ हूँ। ना कि आज की जो लाइव सेशन है उस लाइव सेशन में पढ़ाने से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में जो भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, उस पेपर लीक से संबंधित सूचना के साथ में आया हूँ कि कल 4 तारीख को, कल कितनी तारीख को, 4 तारीख को हमारे चौमू परिक्षेत्र में जो पेपर लीक चुके जो माफिया हैं उन सबके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। और उसी आंदोलन में उपेंद्र जी यादव साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उपेंद्र जी यादव के द्वारा जो बेरोजगारों के साथ में जो गलत हो रहा है, रात रात भर, दिन रात रात भर जो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद में जब परिणाम आता है और परिणाम एक ही आता है कि पेपर आउट, चाहे वो थर्ड ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, चाहे सीईटी का हो, जितने भी पेपर आउट हैं उन सबके खिलाफ में उपेंद्र जी यादव चौमू की पावन धरा पर इन सभी पेपर माफियाओं के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग होना जरूरी है, तो मैं एक बार उपेंद्र जी यादव को बुलाता हूं, वो आपको 2 शब्द कहेंगे कि क्या करना है, किस प्रकार से रणनीति है, क्या क्या करना है। सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद। मैं तमाम जो चौमू क्षेत्र के जो तमाम युवा जो कंपटीशन भर्ती के जो तमाम भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पटवारी हो, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, क्योंकि आपने देखा होगा 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक राजस्थान में हुए, और कई ऐसी भर्ती परीक्षाओं का पता नहीं किस किस का पहले भी पेपर लीक हो चुके हैं जो संज्ञान में नहीं आया, यानी कि सोशल मीडिया में नहीं आ पाए। साथियों, कल 4 तारीख को 12 बजे हम लोग थाना मोड़, जो आपके चौमू से एसडीएम कार्यालय तक, एक रैली निकाल रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अब राजस्थान के युवा चाहते हैं राजस्थान पेपर लीक मुक्त राजस्थान बने, और जो तमाम 1 लाख भर्ती परीक्षाएं जो होनी है, जिनकी जैसे सीईटी होनी है, इसके अलावा अध्यापक पात्रता शिक्षक भर्ती है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, तो 26, 27, 28 जो फरवरी को है वो है, कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं, उनको बचाने के लिए रासू का, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA, वो कानून को लागू कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें किसी को पकड़ा जाता है तो 12 महीने तक जमानत नहीं मिलती। हम मांग करें पकड़ो अपराधियों को, जेल में डालो, उनकी संपत्ति जब्त करो, कि जब तक अपराधियों की, माफियों की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, ये युवा बेरोजगारों को सपनों को तोड़ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो और CBI की जांच भी मांग करें कि 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, इसको कौन सा राजनेता संरक्षण दे रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, इसका भी खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है, इसका भी खुलासा किया जाए, ये तो महत्वपूर्ण इश्यू है ही। और जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलना चाहिए, वो बस जो 24 तारीख को पकड़ी गई, इससे पहले कौन कौन अभ्यर्थी गए थे, कहाँ का पेपर किया था, उसका भी खुलासा होना चाहिए। आपने कुछ अपराधियों को पकड़ा है, पेपर लीक के आरोप इनको पकड़ा है, लेकिन वो पेपर कहाँ से लेके आए, आप RPSC से लेके आए तो कौन देने वाला था, कौन इसमें लिप्त था, उसका खुलासा होना चाहिए, अंतिम कड़ी तक इसकी जाँच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। तो साथियों, कल चौमू के जो तमाम मेरा जो छात्र हैं, विद्यार्थी, उनसे मेरा निवेदन है, आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके सपनों को ये बेच रहे हैं। जैसे हनुमानगढ़ में एक अभ्यर्थी का, जो मैंने मीडिया में देखा, उसने आत्महत्या इसलिए कर ली कि REET Level 2 का पेपर पहले रद्द हो चुका था, इस बार अच्छी तैयारी थी, लेकिन वो अवसाद में जाकर आत्महत्या कर लिया, कि युवा आज अवसाद में जा रहा है। लेकिन हम अवसाद में जाने के बजाय आप लड़ना सीखिए, सरकार से लड़िए, 2023 में चुनाव है, मुख्यमंत्री जी भी इंसान है, उनके भी दिल है, अब आप हजारों की संख्या में जब सड़कों पे आओगे, जैसे कल आपने देखा होगा बाड़मेर में, सूरतगढ़ में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार सड़कों पे उतरे और सरकार तक मैसेज दिया कि अब राजस्थान में पेपर लीक जैसा जो एक धंधा चल रहा, उद्योग धंधा चल रहा है, इसको आपको खत्म करवाना होगा, माफिया को खत्म करना होगा। तो सरकार को एक बड़ा संदेश गया है, इसलिए कल चौमू से भी एक बड़ा संदेश जाना चाहिए कि राजस्थान के युवा चाहते हैं अब पेपर लीक राजस्थान हो, साफ सुथरी बढ़ती और पारदर्शिता के साथ हो, युवाओं को रोजगार मिले और न्याय मिले। तो साथियों, कल का दिन महत्वपूर्ण है, 28 दिसंबर को हमने जयपुर शहीद स्मारक में इसके आंदोलन की शुरुआत की थी पेपर लीक होने के बाद, और अब रासू का कानून की जो मांग कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है आने वाली भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए। तमाम युवाओं से अपील कर रहा हूं कि आपको कल सुबह 12 बजे अपने भविष्य के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए आना है, इन माफियों को खत्म करवाना है, रासू का कानून लागू करवाना है, CBI की जांच भी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा जो तमाम जो भर्तियां हैं जो होने वाली है, अभी बजट में 1 लाख के करीब भर्तियों की घोषणा होने की पूरी संभावना है, उन भर्तियों को भी बचाना है, और खुलासा ये कराओ कि इन माफियों को सपोर्ट कौन कर रहा है, जो जो इसमें जैसे कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए उनको निलंबित मत करिए, उनको सेवा से बर्खास्त करिए, जिस कोचिंग का नाम आता है उस पर बुलडोजर चल रही है, उसकी संपत्ति जब्त करिए, आपको एक्शन लेना होगा।
क्योंकि जब तक इनमें डर नहीं होगा ये युवा बेरोजगारों को सपनों को बेच देंगे। तो साथियों कल चोमू में ऐतिहासिक एक रैली का आयोजन हो रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन लिखित में ले ली गई है। आप सभी को बेझिझक होकर अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए सड़क पर उतरना है, एक आवाज बुलंद करनी है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान का युवा, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, पारदर्शिता के साथ भर्ती चाहिए और राशु का कानून चाहिए। मैं राशु का कानून पर लगातार इसलिए दबाव से मैं मांग कर रहा हूं सरकार से, क्योंकि राशु का कानून 12 महीने तक इन अपराधियों को जेल के अंदर रख सकता है। आपने देखा होगा रीट पात्रता परीक्षा जो सितंबर में जो लीक हुआ था, उसके बाद आपने देखा वो अपराधी अधिकतर लोग 95 के करीब वो अपराधी पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुके हैं। अधिकतर लोग मुझे लगा है 90 से ज्यादा लोग जेल से बाहर आ चुके हैं और फिर इस उद्योग धंधे में लिप्त हो चुके। तो साथियों इनमें कमर टूटनी चाहिए, इनके खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए, आने वाली भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक ना हो, इसलिए हम सबको जागना होगा। और कल का दिन आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे मेरे विशेष अपील है, निवेदन है कि आप घरों से निकलिए कल 12 बजे जो चोमू थाना है मोड़ है वहां पे आइए और वहां से हम एसडीएम कार्यालय तक शांतिपूर्ण रैली निकालकर हम ज्ञापन देंगे और सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगे, क्योंकि जनवरी में विधानसभा सत्र है और 2023 नवंबर दिसंबर में ही चुनाव है, यानी कि ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है युवाओं के भविष्य के लिए और नेताओं के भविष्य के लिए। यदि पेपर लीक हो गया तो नेताओं का भविष्य भी लीक हो जाएगा, लेकिन लीक और पेपर रद्द होने से नुकसान नेताओं को नहीं होता, नुकसान हम जैसे आप जैसे गरीब परिवार से आने वाले उन विद्यार्थियों को होता है जो कई सालों से तैयारी करते हैं, कर्जा लेते हैं, मेहनत करते हैं लाइब्रेरी और रात भर वो तैयारी इतना अपने आप को खफा देते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। सरकार का आसान है कहना कि हमने पेपर रद्द कर दिया, अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन उस व्यक्ति पर क्या बीतती है? क्या उनको आर्थिक, क्या उनको मुआवजा दिया गया? क्या जो मानसिक उनको पड़ताड़ना हो उसका क्या वो सरकार उसको सही कर पाएगी? इसलिए साथियों सवाल कई है, हम सबको सड़कों पर उतरना होगा, लड़ना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बाड़मेर और सूरतगढ़ के उन युवाओं को जो हजारों की संख्या में कल सड़कों पर उतरे, धन्यवाद देना चाहूंगा 28 दिसंबर को शहीद स्मारक पर युवा आए। और अब आप लोगों को आना, अब आपकी बारी है। धीरे धीरे पूरे राजस्थान में युवा जाग चुके हैं, आज कोटा में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया है, अलग अलग जगह युवा जाग चुके हैं, एक ही आवाज उठा रहे हैं कि अब राजस्थान बर्दाश्त नहीं करेगा पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। अब हमें चाहिए साफ सुथरा राजस्थान, पेपर लीक मुक्त राजस्थान और युवाओं को न्याय चाहिए। तो तमाम लोगों से एक बार फिर मेरी हाथ जोड़ के अपील है, कल सुबह 12 बजे चोमू थाना मोड़ है, आप लोग पहुंचे और इस रैली को सफल बनाइए। धन्यवाद। सर मैं तमाम विद्यार्थियों के साथ साथ में जो चोमू के कोचिंग संचालक है, मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हमारा भी एक फर्ज बनता है सर, क्योंकि हम विद्यार्थियों के पीछे चलते हैं और जब साल साल भर हम विद्यार्थियों के लिए मेहनत करवाते हैं तो क्या सर हमारा हक नहीं है? जिनके पीछे हमारा चूल्हा जलता है, जिनके पीछे हमारा घर चलता है, उन विद्यार्थियों के लिए हमारे हम सभी कोचिंग वालों को भी एक साथ आकर इस जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। तो मैं सभी कोचिंग वाले गुरुजनों से भी मैं निवेदन करता हूँ, संचालकों से भी निवेदन करता हूँ, सभी बेरोजगार छात्रों से निवेदन करता हूँ और उन सभी बेरोजगार छात्रों के अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सामने आए और एक जोरदार आवाज सरकार के सामने जानी चाहिए, क्योंकि सर चुनावी दौर है और चुनावी दौर में अपनी मांगे मनवाना थोड़ा सा आसान होता है। देखो साथियों काला जी ने अपनी बात रखी और अच्छी बात है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासभा और मैं, हम एक हमारा संगठन बहुत गरीब है, ऐसा नहीं है कि हम बसे लगा दे, नाश्ते की व्यवस्था कर दे, कुछ कर पाए, लेकिन हमारे पास माध्यम है सोशल मीडिया। काला जी ने कहा कि हमारे बच्चे काफी जुड़े हुए हैं, आप हमारे स्टूडियो में आप लाइव आओगे तो बच्चों तक मैसेज आएगा, तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे माध्यम दिया आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए, जिसे आप लोग आए कि हम लोगों को घर से निकलकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। राजनेताओं के पास तो बसे भी है, व्यवस्था भी है, वो राजनेता अपने राजनीति के लालसा में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो हमारा भविष्य बचाने के लिए आप खुद को निकलना होगा, ना बस का इंतजार करना होगा, ना हमें खाने का इंतजार करना होगा, हमें पैदल चलना होगा, भूखे रहकर अपने भविष्य को बचाना होगा। तो तमाम युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, मुझे जो भी माध्यम मिले, तमाम जो कोचिंग संचालक है, तमाम जो लोग हैं, लाइब्रेरी संचालक है, सबसे मैं निवेदन करूंगा आप लोग आए। ये आंदोलन युवाओं का भविष्य का आंदोलन है, ये किसी राजनीति मंच का आंदोलन नहीं है, ये किसी राजनीति पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का भविष्य का आंदोलन। तमाम लोग आए, जहां भी मुझे मैसेज पूछाना है, मुझे जहां भी लाइव आना है, मैं बोलने के लिए तैयार हूं। जैसे काला चंद्र जी ने मुझे माध्यम दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हजारों युवा तक ये मैसेज जाएगा। तो ये युवा कल सड़कों पर सभी लोग पहुंचे और अपना भविष्य बचाए। मैं भी सर उपेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत बहुत कम है। आपको पता इस जमाने में कौन बेरोजगारों के खिलाफ लड़ता है? तो ये सर आपका ना घर बार छोड़कर सब कुछ छोड़कर हमारे भविष्य के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ में
धन्यवाद सर, ठीक है। आप